Engine. Yes. E for eye. E for eye. E for eye. Yes. E for One E ear. for ear. E for ear. E for ear. Very good. Now let us tell E for elephant, E for eye, E for ear, E for eagle. Yes, E for engine, E for engine. E for elbow, E for elbow, E, E, E says, E says, E says, E says, E for eyebrow. Abba, E for eyebrow, very good. Yes, E for eyebrow to come on. E for elephant, E for egg. E for engine, E for elbow, E for envelope. Envelope लिफाफे को बोलते हैं बेटा, अगर घर में हो तो मम्मी दिखाएगी आपको. ओके, E for envelope, E for engine, E for egg, E for elephant, E for eye, E for ear, E for elbow. E says E, E says E, E says E. Yes. So today we learned how to write E. अगर आप E notebook में लिखोगे, so how will you write? How will you write on the notebook? Look at the board. Red line to the second blue line, vertical line. First red line पे horizontal line. फर्स्ट ब्लू लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज ई, दिस इज ई. वन सेकेंड, रेड लाइन टू द सेकेंड ब्लू लाइन वर्टिकल लाइन, एंड देन रेड लाइन, फर्स्ट रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड सेकेंड ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज E. E says a. E says a. E for egg. E for egg. E for elephant. E for engine. E for engine. E for elbow. E for eye. E for eyebrows. E for ears. Yes, E. Now, for your homework, homework के लिए आप क्या करोगे? Notebook, first in your notebook, you will stick the vocabulary for letter E. और बेटा मैं एक कॉलम बनाऊंगी Google Classroom में, उस कॉलम में आपको पिक्चर लेके आपका लेटर के जो जो पिक्चर्स आपने चिपका है वो मुझे सेंड करोगे. ओके, स्टिक पिक्चर्स ऑफ लेटर ई, लेटर ई. ओके, यस और नो? यस, हाउ मेनी ऑफ यू विल डू? यस मैम, पिक्चर चिपकानी एक पेज पर, एक पेज पे लिखना है, एक वर्क पे रिटन वर्क करना है और एक साइड पे पिक्चर चिपका है, जैसे हमने पहले वाले लेटर्स के लिए किया, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे सभी लेटर्स के लिए. मैडम इस वाले बुक में, नोटबुक में चिपकाना है? यस यस, नोटबुक में ही चिपकाना है. ओके, किस चीज चिपकाना मैडम वो पता नहीं है, मतलब कुछ बना के चिपकाना है या मतलब ड्राइंग वगैरह कुछ करना? पुराने बुक में से कट करना है ना लक्षिता की मम्मी, इससे पहले हम तीन लेटर्स कर चुके हैं. हाँ वो क्या मतलब ये एब्सेंट थी ना इसीलिए. हाँ, तो पहले हम लेटर्स कर चुके हैं उस हिसाब से ही करना है. इज इट क्लियर रिमेनिंग पेरेंट्स? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Or may I will yes, make a block in your Google Classroom पे मैं heading डाल के एक assignment बनाऊंगी, वहां आपको picture भी send करना है. Okay?
यस ओके मैम ओके मैम निशांत को तो क्लास में चलिए पहले ही बाय बोल दे रहे हो निशांत मैम ओके चिल्ड्रन बाय फॉर टुडे बाय 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 बाय